नमस्कार गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी पंजाबी फूडी रसोई में। आज हम आपको फटाफट बनाने वाले मसाला चने बता रहे हैं, जो बच्चों के लंच में आप फटाफट सुबह नाश्ते में डाल सकते हैं, ऑफिस भी ले जा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं फटाफट मसाले छोले, काले मसाले छोले। देखिए, मैंने छोलों को पहले रात भर भिगोया है, फिर उन्हें 15 मिनट के लिए, पहली सीटी आने के बाद 15 मिनट के लिए मैंने उन्हें उबाल लिया है नमक डाल के। अब हम इसमें तड़का लगाने जा रहे हैं, वो देखिए। इसका तड़का हम सरसों के तेल में लगाएंगे। देखिए, काले जो चने थे वो मैंने 250 ग्राम लिए हैं, और उसमें हम बनाने जा रहे हैं अब मसाले वाले छोले। तेल गरम हो जाए उसके बाद उसमें हम मसाले डालेंगे। हमने तेल को गरम होने रख दिया है। इतने में आपको मसाले बता देती हूँ। देखिए, इसमें नमक मिर्च हल्दी के अलावा सूखा धनिया, आमचूर और जीरा बहुत सारा। स्वाद के लिए जीरा थोड़ा आप ज़्यादा भी डालेंगे तो इसमें जब मुँह में क्रंच आएगा वो अच्छा स्वाद देगा। देखिए गाइस, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक चम्मच बड़ा भर के जीरा डाल रहे हैं। जीरा चटक गया है, अब इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। वैसे इसमें जितना तीखा होगा वो ज़्यादा स्वाद लगेगा। इनको अच्छे से हिला लेते हैं। अब इनमें डालते हैं हम चने। चनों के बाद अब हम इनमें नमक डाल रहे हैं। नमक कम ही डालें क्योंकि पहले उबलने में भी हमने नमक डाला था। अब इसके बाद हम डालेंगे ये सूखा धनिया। सूखा धनिया लगभग 2 बड़े चम्मच हैं, और इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर। ये देखिए, बिना प्याज लहसुन बिना मेहनत के फटाफट बनने वाली रेसिपी काले चने। ये देखिए, बस ये तैयार हो गए, और खाने में सच पूछिए ये इतने मज़ेदार हैं कि बच्चे और मांग मांग के खाएंगे इन्हें। देखिए, ये टिफिन के लिए रेसिपी तैयार है। अब अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आप अपने बच्चों के साथ इसे बना के मज़े से चटकारे लेके खाएं।